ब्रह्म एक मधुरूप है, एक भ्रमर उन्मान, एक भ्रमर उन्मान। ब्रह्म एक मधुरूप है और एक भ्रमर उन्मान। रूप रस दान कर और एक रूप कर पान। मधु मीठी चीज समझो, शरबत रस, तो भगवान रस है, रस रूप है। उसको वेद कहता है रसो वैसा, वो रस है। तो उसका सब लोग आस्वादन करते हैं। और एक है भ्रमर रूप भौरा, भौरा रस लेता है। तो भौरा खुद रस लेता है, इसलिए रस का अर्थ हुआ भौरा। श्याम सुंदर स्वयं रस का अनुभव करते हैं अपने रस का, और दूसरों को भी रस का अनुभव कराते हैं। ये मतलब दो लाइन। मधुरूप है और एक भ्रमर उन्मान, एक रूप रस दान कर और एक रूप कर पान। दुई माया एक विद्या, अपर अविद्या तात। दुई माया एक विद्या, अपर अविद्या तात। ज्ञात अविद्या ज्ञान से, ज्ञात अविद्या ज्ञान से, अपर भक्ति से जात। क्या अविद्या दो प्रकार की माया है? तो ज्ञानी लोग त्रिकुटी समाप्त करके, ज्ञाता ज्ञेय मान ज्ञान तीनों समाप्त कर देने के बाद, जब उनका अहम समाप्त हो जाता है, पंच महाभूत के आगे अहम को भी समाप्त कर देते हैं, तो अविद्या समाप्त हो जाती है। तो ज्ञान से अविद्या समाप्त होती है, लेकिन विद्या माया नहीं समाप्त होती, वो भक्ति से ही जाती है। इसलिए सर्व साकार की शरणागति करनी ही पड़ेगी ज्ञानी। जो अल्प ज्ञानी है कोई हकी हो जाते हैं, उनको तो कोई समझा नहीं। यदि गुरु मेरे ही ग्रहण की तब, अरे जो कमर करते हैं नहीं मानी, तो उनको कौन समझाएगा, उसको अलग बात है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल है और कहीं से कंफ्यूजन दिमाग में उसके किसी ने भर दिया है, तो निकाला जाए। बड़ी विचित्र बात कह रहे हमारे को, कौन कर्म कोई शास्त्र में पढ़ नहीं पाएगा। प्राकृत मन, मन माया से बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचाए, सब अपना प्रकृति है माया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन अहंकार से आप अपना प्रकृति कहा है बेटा, और जीव बड़ा प्रकृति है। तो मन माया से बना, तो एको वाणी में कर करके अपना आपको मनसा कहा। मन तक जहां गति है वहां माइक दे दिया है, वो गोचर जहां लगी मन जाए तो सब माया ज्ञान हो भाई। किसी का बात कर दिया है बिल्कुल। तो ज्ञानियों का मन प्राकृत है, उनका ध्यान प्राकृत होगा, वो ब्रह्म का ध्यान होगी। तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो? अगर आप कहें भक्तों का मन भी तो प्राकृत है, तो उनका भी ध्यान कृष्ण का ध्यान नहीं होगा, होना चाहिए। तो उनको श्री कृष्ण का ज्ञान या प्राप्ति क्यों होती है? तो किस कारण से? साधारण भक्ति के बाद भक्त को श्री कृष्ण की जो पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति, वो स्वरूप शक्ति से उसकी इंद्रिय मन बुद्धि में जब स्वरूप शक्ति आती है,
तो दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि हो जाती है, फिर श्री कृष्ण कृपा भी होता है। ब्रह्म तो कृपा करेंगे वो क्या करता है, ज्ञानियों का जो ब्रह्म है वो निष्क्रिय है, सत्ता मात्र है, न रूप है न गुण है न इंद्रिय है न मन है न शरीर है, कुछ नहीं उसके। तो वो तो सब दे नहीं सकता, देने के सवाल ही नहीं है। और भक्त का जो भगवान है वो न्याय भी करता है, कृपा भी करता है, कर्म फल भी देता है, तमाम सारी सृष्टि भी करता है। तो जो शरणागत जीव साधना भक्ति करते हैं, तो साधना भक्ति परिपक्व होने पर जब भाव भक्ति पर जाते हैं जीव, तब स्वरूप शक्ति उनके इंद्रिय मन बुद्धि में प्रविष्ट होती है, तब उनका मन दिव्य हो जाता है, तब वो दिव्य ध्यान करते हैं। पहले वो भी प्राकृत करते हैं, बाद में वो दिव्य करते हैं, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान सदा प्राकृत होता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है। इतने बच्चा